देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट से भी शानदार, कतर के हमाद हवाई अड्डे से भी खूबसूरत, ब्राजील के अफोंसो एयरपोर्ट से भी ज्यादा आधुनिक। ऐसा एयरपोर्ट जिसे देख दुनिया हैरान रह जाएगी, ऐसा एयरपोर्ट जिसे देख हर कोई दंग रह जाएगा। जमीन पर उतरेगा एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट। समझ लीजिए, भारत फिर से दुनिया को हैरत में डालने जा रहा है। भारत की जमीन पर उस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अंगड़ाई ले ली है जिसकी गिनती देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट में होगी। साथ ही दुनिया के नक्शे पर जेवर एयरपोर्ट पांचवें सबसे बड़े हवाई अड्डे के तौर पर जाना जाएगा, मतलब ग्रेटर नोएडा हिंदुस्तान की शान बनने जा रहा है और एक ऐसे हवाई अड्डे का गवाह बनने जा रहा है जिस पर देश को गर्व होगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का डिजाइन तय हो गया है। एयरपोर्ट का डिजाइन और लेआउट ज्यूरिख कंपनी ने फाइनल किया है। तीन कंपनियों ने मिलकर डिजाइन तैयार किया है। यह एयरपोर्ट यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में बनेगा। स्विस कंपनी ज्यूरिख ने तीन कंपनियों को इसका जिम्मा सौंपा था। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कई मायनों में अनूठा होगा। यह पूरी तरह से डिजिटल तरीके से ऑपरेट किया जाएगा। यात्रियों, एयरलाइंस और पार्टनर्स को बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपनी श्रेणी में पहला नेट जीरो एमिशन एयरपोर्ट होगा जो एविएशन के लिए नए स्टैंडर्ड तय करेगा। माना जा रहा है कि 2024 तक जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद इस हवाई अड्डे पर हर साल 12 मिलियन यात्रियों की क्षमता हो जाएगी। एयरपोर्ट पर यात्रियों और लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स के लिए आसान इस्तेमाल की भी व्यवस्था होगी। जेवर एयरपोर्ट बनने से ग्रेटर नोएडा के पूरे इलाके का नक्शा बदल जाएगा। मसलन ये पूरा इलाका सीधे दिल्ली से कनेक्ट हो जाएगा। मेट्रो से लेकर रैपिड मेट्रो तक इस इलाके से होकर गुजरेगी। ग्रेटर नोएडा की दिल्ली के साथ साथ आसपास के राज्यों से सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। सरकार का प्लान जेवर एयरपोर्ट से सटे एरिया को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने का भी है। जाहिर है जेवर एयरपोर्ट से सिर्फ इलाके की तस्वीर नहीं बदलेगी बल्कि यहाँ रहने वालों की जिंदगी भी पूरी तरह से बदल जाएगी। खैर, ये तो रही जेवर एयरपोर्ट के विकास और उसके साथ साथ देश की बढ़ती चमक की बात। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है बल्कि उससे भी आगे बढ़ चुकी है। जहाँ एक तरफ विकास के इन कार्यों को नया रूप दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में ही दूसरे देशों से बंपर निवेश भी आ रहा है। निवेश के खुलते नए अवसरों को देखकर इतना तो साफ कहा जा सकता है कि बस कुछ दिन और जब हर एक हाथ में रोजगार होगा, हर किसी को रोजगार के अवसर मिलेंगे, देश की अर्थव्यवस्था भी अपनी चमक बिखेरेगी। ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। न्यूज़ टीवी इंडिया पर।